फटा देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए ताकि चीन में सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। इस घोटाले में 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। सेंट्रल चाइना अथॉरिटीज ने बताया कि 580 करोड़ डॉलर करीब 46.3 हजार करोड़ रुपए की बैंकिंग धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस घोटाले में अब तक चीन के हैनान शहर से 234 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कहा जा रहा है कि इस घोटाले में अभी और लोगों की गिरफ्तारी होगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घोटाले का मास्टरमाइंड लू यीवेई और उसका सहयोगी है। इन्होंने हैनान के 4 नेशनल बैंकों पर अवैध नियंत्रण कर लिया और लोगों को ज्यादा ब्याज दर देने के लालच देकर ठगने का काम किया। जानकारी के मुताबिक निवेशकों को 18% की दर से ब्याज देने का लालच दिया गया था। इन बैंकों में हजारों लोगों का अकाउंट है। बीते महीने 10 जुलाई को जब अकाउंट होल्डर अपना पैसा निकालने बैंक पहुंचे थे, उस समय खाताधारकों को पता चला कि वो अपना पैसा ही नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद बैंक के बाहर जबरदस्त भीड़ जमा हो गई, जमकर विरोध प्रदर्शन होने लगा। तब इस बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। लोगों ने यहां हिंसक प्रदर्शन करना शुरू किया तो बैंकों के बाहर खड़ी भीड़ को काबू करने के लिए टैंकों को तैनात कर दिया गया। हैनान की 4 बैंकों ने ग्राहकों के लिए 18 अप्रैल के बाद अपनी ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी थी। बैंक ने सिस्टम अपग्रेड का हवाला देते हुए ग्राहकों के खाते से निकासी पर रोक लगा दी, जिस कारण ग्राहक कोई भी ऑनलाइन लेन देन नहीं कर पा रहे थे। इससे ग्राहकों में और आक्रोश था। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया। हजारों लोग हैनान प्रांत की राजधानी तक कूच करने लगे और प्रांत में अशांति का माहौल बन गया। फिलहाल इस घोटाले की जांच हो रही है। इस घोटाले में शामिल कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कईयों की होनी बाकी है। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई और जांच के बाद ग्राहकों का पैसा लौटाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से पूरे चीन में जिनपिंग की सरकार अपनी ईमानदारी का बाजा बजाती घूमती है, ऐसे में उनके राजपाट में अगर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है तो क्या इसके पीछे जिनपिंग की सरकार की भी कोई मौन स्वीकृति थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।